गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जाहिर है अच्छा ही होंगे। तो आपके सामने पिछला वीडियो तक तो मैं था, थोड़ा टाइम लग गया नया वीडियो में। चलिए आते हैं हम अपने इस नए टॉपिक पे, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक? तो डेसिमल। डेसिमल, जी हाँ, डेसिमल क्या होता है? पहले तो हम टॉपिक का हेडिंग वेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि हमें बनाने में, वीडियो बनाने में और भी मदद मिले। ठीक है, डेसिमल। डेसिमल भी एक तरह से वही एलसीएम एलसीएम जैसा ही नाम है। क्या होता है डेसिमल? डेसिमल एक तरह से किसी भी जगह पे लगाने का एक क्या है, सिंबल है। इट्स जस्ट लाइक अ पॉइंट, इट्स जस्ट लाइक अ पॉइंट, इट मस्ट बी अ डिफरेंस। ये एक तरह से डिफरेंट तरीका का है। ये पॉइंट वो पॉइंट पे है जो मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हम लोग यूज करते हैं। ये वो तरह का पॉइंट है जो उसी में यूज करते हैं। ये एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के बाद, डिवीजन के साथ, सबके साथ ये पॉइंट यूज होता है। तो क्या ये पॉइंट यूज होने के बाद, जो पॉइंट के बाद नंबर होता है, क्या उसका नंबर सेम हो जाता है? उसका वैल्यू वही रहता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर रहता है 36.24, तो क्या हम उसको 24 पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, अलग अलग 2 और 4 ये पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे पहले तो 36 से तो बच्चा बचा जाता है, ये 36 होता है। तो आइए पढ़ते हैं कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल इट इज अ टाइप, इट कैन, डेसिमल में एक तरह से क्या कह सकते हैं, द नंबर एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड डेसिमल। मतलब 0.06, 2.4, 3.1, ये क्या होता है? एक तरह से डेसिमल, और ये पॉइंट होता है उसको डेसिमल के नाम से जाना भी जाता है, जाना भी क्या जाता है, वही होता है। चलिए अब आते हैं, डेसिमल में दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एक डेसिमल होता है पहला होल पार्ट, पहला होल पार्ट, और दूसरा डेसिमल पार्ट। मतलब कि होल नंबर से डेसिमल कैसे करेंगे, और दूसरा है डेसिमल से होल नंबर में कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, पहला आते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में रहे, अगर कोई क्वेश्चन होल का ही पढ़ेंगे पहले, अगर कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में रहे, व्हाट इज योर फ्रैक्शन, द नंबर विच इज फॉर्म इन ए बाई बी, जो नंबर किसके फॉर्म में हो, ए बाई बी के फॉर्म में हो, उसको कहते हैं फ्रैक्शन। ओके, राइट नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट व्हाट वॉज द पार्ट, होल पार्ट, होल पार्ट ऑफ अ डेसिमल। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। नाउ वी स्टडी, वी टेक अ वन नंबर। एक चीज याद रखिएगा, जो भी डिनोमिनेटर डेसिमल कब बनता है, जब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला पोर्शन। कौन सा नीचे वाला पोर्शन? मान लीजिए ए बाई बी है, ये नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला पोर्शन होता है नोमिनेटर, न्यूमिनेटर। ये दो पोर्शन होता है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सुनिएगा, अगर डिनोमिनेटर हमारा छोटा रहेगा न्यूमिनेटर से, अगर डिनोमिनेटर छोटा रहेगा न्यूमिनेटर से, तब भी पॉइंट में आ सकता है, नहीं तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा पॉइंट से, तो भी हमारा क्या आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है। तो कैसे, पहले होल पार्ट पे ध्यान देंगे, कैसे बनाएंगे होल पार्ट को। मान लीजिए कि क्वेश्चन 1/5, तो कहता है इसको डेसिमल में भैया चेंज करने देखा, और इसको एक तरह से बोलते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको इसमें हम बताएंगे।
पहले होल नंबर है, होल नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय और नॉट मल्टीप्लीबल बाय एनी नंबर, जो नंबर किसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो सकता वो नंबर जीरो है। जीरो के साथ जितना भी नंबर मल्टीप्लाई करो, जीरो के साथ कितना भी बड़े बड़े दिग्गज को मल्टीप्लाई कर लो, वो हमेशा कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, कभी जीरो ही आ जाता है। डायरेक्ट क्या आता है? जीरो ही आ जाता है। जैसे वन के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करो तो एस सेम एज इट इज केम, दैट्स लाइक अ जीरो के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। चलिए वो तो बात की बात है, अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। तो फ्रैक्शन डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कैसे, फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे? ऐसी बात है, डिवाइड करेंगे। बट एक सिंपल तरीका होता है, अगर होल नंबर में दिया रहे तो कितना डिजिट है? तो सर ने बच्चों ने बोला वन, तो मैंने बोला तो वन डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा, ये है आंसर। अगर यहाँ पे रहा वन दो डिजिट, कितना डिजिट जीरो है? दो डिजिट, तो दो डिजिट के बाद सर यहाँ पे एक है तो वो क्रिएट ना करेंगे तो क्या क्रिएशन में आएगा? जीरो, जीरो के अलावा और कोई क्रिएशन में नहीं आएगा, यानी 0.01 ये होगा इस टाइप का। फिर आया सर नहीं बना, तीन डिजिट आ गया, कोई बात नहीं, तीन डिजिट का हम सॉल्व करेंगे, कितना डिजिट है? तीन को जीरो, ये तो अनिवार्य है बाबू की अगर पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर नहीं रहेगा तो आपको जीरो पुट करना ही पड़ेगा। उसके बाद तीन डिजिट है, एक डिजिट अपने वाले है डाल दिए, दो डिजिट और चाहिए जीरो लगा दिए, ऐसे बनेगा डेसिमल से फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सर सर होल पार्ट में, ये तो होल पार्ट में आपने बताया, अगर होल पार्ट के अलावा कोई और नंबर रहा तो जैसे जैसे 11/16, देखिए डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है, और न्यूमरेटर क्या है? छोटा है। इट्स अ प्रॉपर नंबर, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन, वी मस्ट हैव टू टेल, बट किसी ने कह दिया सर इसको डिवाइड करके हमको डेसिमल में चेंज करना है, बोला ठीक है कोई बात नहीं कर देंगे। नंबर उठाया, डिवाइड किया, नहीं आता, पॉइंट लगा दिया। मैंने बताया था कि नंबर नहीं रहेगा तो जीरो रहेगा, पॉइंट लगा दिया, यहां भी जीरो लगा दिया। तो आई थिंक किसी ने बोला कि सर ये 16 के टेबल में जो नंबर आएगा वो 11 तो नहीं आएगा, 110 आएगा, 110 भी नहीं आएगा, उससे कम आएगा, वो कौन सा नंबर होगा? 96 होगा। कौन सा नंबर होगा? 96, और होगा किसने बारे में? 6 बार माइनस कीजिए, माइनस भी करे तो हाँ हम करेंगे। आया, अब इसके बाद आपको पता होगा नॉर्मली फ्रैक्शन में पढ़ाया गया होगा कि डेसिमल लगाने के बाद आप चाहे तो कितना भी जीरो लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कितना भी जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ 114 नहीं आता है जी, तो हम इसके यहाँ पर जीरो लगा दें? जी सर लगा दीजिए, मना किए हैं? नहीं मना तो नहीं किया, लेकिन हम लगा दिए। अब बताइए 16 के टेबल में 140 आता है? सोचे पड़ेगा, नहीं आता है बुर्बर, एक बार 8 बार में आता है 128 हो गया, और यहाँ पे हम 16 8 128 लिख दिए और माइनस और माइनस प्लस करके हमारा आंसर जो आ गया यानी 2 यानी 1 बार आंसर आ गया यहाँ पे, कट कुट ठीक। अब बोलिए सर अब यू खत्म नहीं हुआ है, तो नहीं खत्म होता जीरो लगाएंगे सर, 120 नहीं आता, अरे महाराज फिर वही बोल रहा है नहीं आता, नहीं आता उसे कम लेंगे ना, 112 8 कैरी दिया था, इसके पास कुछ नहीं था, भीख मांगा था से दे दिया, कटवा लेके गया था, एक नंबर हमको दे दो दे दिया, 10 में से 2 गया, 8 बचा, अब यू नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो हम कितना मगजमारी कर रहे हैं, जाएगा कम करो, थोड़ा सबर रखो आंसर जल्दी आएगा। ये 7 बार में 121 में लगाया था, 5 बार में लो यहाँ 18 ला दिए, आ गया हाँ सब आ गया, आ गया। तो ये डेसिमल में क्वेश्चन है, यानी फ्रैक्शन से हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया आप देख सकते हैं।
तो इस तरह का अगर नंबर आपको मिले और बोल दे कि कन्वर्ट कर दो किसमें डेसिमल में, तो आप कन्वर्ट आंख बूंद के कर दीजिएगा, कोई काटे उठेगा नहीं, लेकिन डिवीजन सही कीजिएगा, मतलब डिवीजन गलती सब गलती। ये तो था फ्रैक्शन टू डेसिमल। अगर डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना, किसमें डेसिमल से फ्रैक्शन में, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा ना, मान लीजिए 6.86 है होल नंबर याद रखिएगा, होल नंबर 6.86 है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? अरे बहुत सिंपल है सर, काहे हो यहाँ पे कितना डिजिट है, टू, हेलो हो गया, क्या ऐसे कह दिए, दो डिजिट था हमने दो जीरो लगा दिया, जब दो जीरो रहता तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, दो डिजिट के बाद हम क्या पुट करते डेसिमल, वैसे ही करेंगे सब, वैसे ही करेंगे, हाँ लगभग में सब में हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब एक बंदा पूछता है, सभी को समझ में आ गया, अब यहाँ पे आते हैं पहला टॉपिक हमारा, इसके बाद ये तो इतना था, अब इसको हम वर्ड में लिखना सीखेंगे, किसमें वर्ड में, तो सर वो नंबर सिस्टम वाला वर्ड में, तो हाँ नंबर सिस्टम वाला वर्ड में, तो कैसे ऐसे वैसे कुछ नहीं, पहले एडिशन सीखिए फिर वर्ड में सीखिएगा। एडिशन कैसे करेंगे डेसिमल में, सिंपल सी बात है, जितना डिजिट पॉइंट के बाद होगा उतना डिजिट हम पॉइंट के बाद ले लेंगे, नहीं समझ में, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हम बताइए, 9 + 2.24 + 3.14 + 3, अरे सर इनका किए दो में डेसिमल दिए दो में नहीं दिए, कोई बात नहीं जिसमें नहीं दिए हैं उसमें नहीं लेंगे, तो डेसिमल के पहले 9, 2, 3, 3 डेसिमल है नहीं है तब पर भी जीरो लगा दिए, डेसिमल है नहीं है 24 लगा दिए, है कहाँ है तो नहीं है तो जीरो लगा, यानी डेसिमल हो या ना हो अगर आपका कंपैरिजन में दूसरा डेसिमल वाला आ जाता है तो वहां पे आपको 0 0 लगाना पड़ेगा। फिर से सुनिए, अगर एक बार कंपैरिजन में आपका कॉम्पिटेटर यानी सामने वाला प्रतिबंधित आ जाता है, प्रतिबंधित कहने का मतलब आपका दोस्त यार जो भी है आ जाता है, अगर उसके पास डेसिमल में पैसा आ रहा है तो आपको भी डेसिमल में पैसा ही लगाना पड़ेगा, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो 0 0 लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका बिल हुआ कहीं गए खाना खाने, बिल हुआ 33.5 और उसका बिल हुआ 33.5, तो आपको तो पैसा पे करना पड़ेगा, बट यू डोंट हैव अ मनी इन अ पैसा, आपके पास पैसा नहीं तो रुपीज में वापस तो नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो हमने क्या बोला आपको कि दोनों इंक्लूड करेंगे, तो उसके पास था 35 और आपका बिल था 35.5, तो क्या ये डेसिमल में नहीं काउंट होगा, होगा बट उसके ऊपर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, तो टोटल हमारा हुआ 70.5, ऊपर में 0 लग गया, 0 + 5, 5, अब नहीं भी चाहते हैं 0 लगाना तो कोई बात नहीं, बट डेसिमल का वैल्यू डेसिमल में ही दिखा दीजिएगा, चाहे वो 4 डिजिट का हो चाहे वो 5 डिजिट का हो, आपको डेसिमल का वैल्यू डेसिमल में ही लिखना पड़ेगा। चलिए ऐड करते हैं 8, 3 डेसिमल इनको प्लस किए और बाकी तो 0 0 था, 5, 3, 13, 5, 3, 8, 8, 9, 17 ये होगा हमारा। एडिशन इस प्रकार बनता है, और सब्ट्रैक्शन में कभी भी 2 से ज्यादा नहीं देगा, अगर 2 से ज्यादा दे भी देता है तो आपको पेशेंस रख के बहुत आराम तरीके से बनाना पड़ेगा, पेशेंस रख के कैसे बनाना पड़ेगा, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो मान लीजिए सब्ट्रैक्शन दे दिया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में डेसिमल में बहुत सारा प्रॉब्लम सब लोग को होता है, तो ध्यान से बनाइएगा आप लोग, ज्यादा पैसे को ज्यादा हर बार सब्ट्रैक्शन में बना देंगे नहीं,
आराम से थोड़ा कूल होकर बनाइएगा। जैसे एक क्वेश्चन है 27.85 - 14.34 एक नहीं देता है, जानता है पचवा का लेवल सब कि पचवा का ज्यादा कुदवे नहीं करेगा, काय लगे हम कुदवा वाला कूदेगा तो गलती हो जाएगा, इससे अच्छा है कितने पर हाँ रहो, जाते जाओगे दिक्कत हो जाएगा, हमको नहीं होगा तुमको होगा। अरे हम तो उनको मालूम है कि बच्चों का लेवल का है, पढ़ा रहे हैं छोटा छोटा खुद लगता है सब डेसिमल सब्ट्रैक्शन अच्छा सार नहीं है, पंद्रह में से चार जाता है, अरे पंद्रह या पांच है ठीक है, डेसिमल नहीं कह रही है, इसके पास था अपना पैसा एक, आठ में से तीन जाएगा तो पांच, सात में से चार गया तीन, दो में से एक गया तीन, दो में से एक गया तो एक ना हाँ एक हो जाता है। 13.551 है सर नहीं, बताए थे आपको कि डेसिमल के बाद नंबर को फाइव और वन से डिनोट करते हैं, 50 और 50 नहीं लगाते, 50 और 500 भी नहीं लगाते हैं, इसको बस हम लिखते हैं इंग्लिश इक्वेशन पे कि 51 हो ठीक है। अब आते मल्टीप्लिकेशन, ये भी होता है तो जी हाँ ये होता है, सब्ट्रैक्शन के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा समझे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन क्या मल्टीप्लिकेशन ये क्वेश्चन है 2.1 जैसे आप मल्टीप्लाई सीखे जिस प्रकार से आपने बचपन से मल्टीप्लाई सीखते हैं बस वही करेंगे, अंतर क्या यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 टोटल ऊपर और नीचे मिला के कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 3 डिजिट हाँ 3 डिजिट कहा है सर 3 डिजिट कैसे हो गया 3 डिजिट कहा हो गया क्यों हो गया ये सब कुछ नहीं जानना है, जानिए 1 2 3 सबसे आसान तरीका क्या हो, इससे ज्यादा आसान तरीका हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम खुद नहीं आते, तुम कहा बता दूसरा को इससे आसान तरीका 1 2 3 तीन डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है आंसर आने के बाद, तो कब आंसर आएगा जब मल्टीप्लाई नॉर्मली करके प्लस करते थे 2 डिजिट में और प्लस करके जो आंसर आप लिखते थे उसमें आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल 3 डिजिट के बाद डेसिमल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अतः सर मास्टर बोले तो बोलिएगा ना सर हमको ये तो यही आता है, आपको आंसर से ना मतलब है, फॉर्मूला पूछो लगा है मैथ का फॉर्मूला वैरी करता है, यानी एक ही फॉर्मूला से टीचर नहीं बताता है, एक ही तरीका से नहीं बताता, कोई बताएगा आम तो कोई बताएगा आम के जगह पेड़, कोई बताएगा आम कैसे उगाते हैं, कोई बताएगा कि उगा हुआ आम कैसे खाते हैं, तो हम बता रहे हैं कि डेसिमल कैसे बनाते हैं, बना हुआ डेसिमल हम नहीं बनाते, देखिए ये तो सब तो मन से जाएगा तुझसे में आ जाएगा, नीचे 2 10 कैरी 1 16 एक 17 कैरी 1 7 दुना 14 एक 15 कैरी 1 2 दुनी 4 एक 5 5 8 कैरी 1 7 8 5 अब सर 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे ना बिल्कुल भाई और बहनों हम लगाएंगे, मोदी जी बोलते हैं ना कैसे बोलेंगे स्टूडेंट छात्र छात्राओं हमने डेसिमल लगाया लगाया ना हाँ लगाया, अगर ऐसे भी आप चेक करना चाहते हैं तो ऊपर में 2 था और यहाँ पे 1 था डेसिमल आपका है कितना 1 2 5 10 ठीक है आपका डेसिमल आया है किसके इसमें तो था ही नहीं, हमने इसे किया तो इसमें तो था ही नहीं, इसमें भी 2 डिजिट था इसमें भी 2 डिजिट था लीजिए तो टोटल आपका 3 डिजिट आ जाता है, लेकिन ये सिंपल तरीका है, इससे आसान तरीका आपको डेसिमल बनाने में नहीं मिलेगा, वो भी मल्टीप्लिकेशन में, वो भी किसमें मल्टीप्लिकेशन में जितना आपका आंसर आ रहा है जितना आंसर आपका आ रहा है जितना क्वेश्चन दिया हुआ है जितने डेसिमल के बाद है उतना प्रॉफिट लगा देते ऊपर काम की जाए कितने डिजिट के बाद नीचे कितना है तो एक तो प्लस कर टोटल उपाय 3 नंबर के बाद हमें
दूसरे दिनांक हाँ एडिविजन का तो बताइए दिए कि कैसे बनता है डिविजन, नहीं देखा तो स्टार्टिंग में देख लीजिएगा डिविजन कैसे बनता है बताइए दिए। अब हमने बता रहा था जो बीच में रोक दिया था आपको कि इसमें हम वो जो नंबर है वो 3500 नंबर सिस्टम कैसे घुसेर दिए सारा। अरे बोलो घुसरेंगे ना इसका बनेगा कुछ देखिए कैसे घुस रहे हैं 9 6 3 2 4 काउंट कीजिएगा बाबू डेसिमल से पहले 1 10 100 सर तो इसको मैं छोड़ इसमें भी होगा बट वंस नहीं होगा इसमें डायरेक्ट होगा टेंस का सर कर लो डेसिमल लग जाएगा जी 2 7 करेंगे तो डेसिमल कैसे आ जाएगा कितना 2 1 से 2 का डिवाइड करो 0.1 नहीं आएगा 2 में आएगा 0.2 आएगा 2 आएगा तो कैसे होगा नहीं ना होगा इसीलिए आंसर 200 चाहिए तो इसको बोलते हैं 10। फिर इसके बाद आता है 100 तो इसमें क्या सर 100 सेम तो है सेम तो है लेकिन लिखने में दिक्कत है 9 HUNDRED 63 यही है ना 63 लिख देते हैं अच्छा से SIXTYTHRED 3। अब सर तो बीच में पॉइंट है बाबू तो पॉइंट ना लगाएंगे अब सर 2 है तो 2 ना लिखेंगे TW2 बट हाँ जी लेकिन हम यहाँ पे 10th लिखेंगे 10th यानी TENTH वंस नहीं दिखेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद वंस का मौजूदगी खत्म हो जाता है। अब 2 10th हो गए TH TH से लगाया बाबू ये एक तरह से फ्रैक्शन में आ जाता है ऊपर से ये डेसिमल के बाद का नंबर तो कुछ तो अलग होना चाहिए तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कुल के हिसाब से TH लगाते हैं तो क्या सर 100 में TH लगाएंगे जी बिल्कुल 400 सबका अलग अलग लिखना 1000 में भी आया था मान लीजिए 1000 में लिख दिए टी एच में 3000 30000 0 इसमें 30000 लिखिए नहीं 30000 लिखिए दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं 30000 इस प्रकार से आपका डेसिमल का फॉर्मेशन यानी वर्ड्स में भी होगा और नंबर्स में भी होगा मल्टीप्लिकेशन भी होगा डिवीजन भी होगा सब्ट्रैक्शन भी होगा एडिशन भी होगा और फ्रैक्शन से डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल भी चेंज होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला कि डेसिमल क्या होता है होल पार्ट में भी डेसिमल कैसे करते हैं डेसिमल के पार्ट में भी डेसिमल कैसे करते हैं वो डेसिमल का पार्ट वाला स्टार्टिंग में मैंने कर दिया था 11 बाय 16 करके और वो एक तरह से डिवीजन फॉर्मूला भी था अगर आपको फोर्थ जैसे मान ली पॉइंट में डिवीजन दिया होगा कैसे नहीं समझिए मान लीजिए डिवाइड 3 6.96 जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल को प्लस किया करते थे बट वैसे ही डिवीजन में माइनस किया करेंगे क्या किया करेंगे माइनस हाँ जी 1 डिजिट के बाद 2 2 -1 = 1 आंसर जो आएगा यानी यहाँ जो आंसर आएगा उसमें 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल आएगा 2 डिजिट के बाद नहीं 2 और 1 3 डिजिट के बाद नहीं 1 डिजिट के बाद माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जितना वैल्यू आएगा उतने वैल्यू से हम क्या करेंगे डेसिमल यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं 12 को 12 बार 36 आता है 3 बार में ओके गॉड सर। अब आ गया पॉइंट पहले से पॉइंट लगा हुआ बाबू 9 को उतारे क्या उतारे 9 को चलिए 9 पॉइंट अभी नहीं देते हम 9 को डायरेक्ट उतारते हैं उसके बाद पॉइंट का देखेंगे तो 9 12 के टेबल में आता है जी नहीं आता है 0 96
96 आता है ए? ट्वेल्व के टेबल में 8 बार में आता है 96। कट गया बहुत ही सर, कट गया। 6 को उतारने के बाद इसका सर डेसिमल मालूम क्या होगा? मैंने बताया इसको इससे माइनस में है, 2 है, 2-1 तो 1 डिजिट के बाद कितना आंसर आया हमारा? 308 30.8। इससे सात दिन का मैथ लोग क्या करते हैं ना? हाँ 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 ठीक है ठीक है। हाँ इससे इस वर्ष का क्या करना है? नहीं करना कुछ नहीं, डेट हो गया। चलिए आंसर आपका आ गया, समझाते नहीं है ना लोग कैसे आया बच्चा, कैसे समझेगा जी? पूर्व का बचवा होशियार है पढ़ाई से, जन्म लिया था तो मैं समझ गया था कि दूध पी लगा था, होशियार हो गया था नहीं ना। तो समझाना क्या होता है? तो समझाने से क्या होता है? बच्चा को क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। इस वीडियो से मालूम है बहुत लोगों को डाउट होता होगा कि सर ऐसे करेंगे तो, जितना भी आप लोगों को डाउट होता है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में ही प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो एक शॉर्ट सा वीडियो बना के आपको भेज दिया जाएगा, बट आप कमेंट जरूर किया कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, ताकि हम लोग को भी आसानी हो, प्रेरित हो कि इसको बनाने में और इससे भी अच्छे से पढ़ना है। ये तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन बच्चे को पढ़ाएंगे यूट्यूब से क्या पढ़ाई होता है, लेकिन तब पर भी इससे भी अच्छे पढ़ना है तो मेरा इंस्टीट्यूट है लेखा नगर में, लेखा नगर ब्रह्म ऋषि मार्केट, वहां से आप ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस। ट्राई टू कम हियर एंड ज्वाइन अस, बहुत सस्ते बहुत कम फीस में हम लोग पढ़ाते हैं, ताकि हम लोग गरीब से बच्चे को पढ़ा सके, ऐसे हम लोग का एम है। और यहाँ पे पढ़ने से आपको एक चीज और बेनिफिट मिलेगा, यहाँ सब चीज पढ़ाया जाता है, जैसे कंपटीशन की तैयारी भी होती है यहाँ पे, कंपटीशन की तरह नवोदय सैनिक प्लस एजुकेशन आपको इतना अच्छा दिया जाएगा, मैं कर नहीं सकते इतना अच्छा कि देखो बच्चे भी निर्भर करता है टीचर क्या है, सब टीचर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बट बच्चा क्या होता है कभी समझ पाता नहीं समझ पाता। सो ज्वाइन अस, लाइक सब्सक्राइब एंड अगर आपको इसका लोकेशन जानना तो गूगल पे आप जाइए, न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी नाम करके कोचिंग है, उसको सर्च कीजिए, आपको लोकेशन क्या आपको पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा उसके बारे में। थैंक यू।